हेलो गाइस हेलो टू ऑल ऑफ यू सो हेलो गाइस हेलो टू ऑल एवरीवन गुड आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग गाइस आई एम ऑडिबल और विजिबल एक बार मुझे फटाफट जल्दी से बता दीजिए मेरी वॉइस आ रही है सब लोगों को आई एम क्लियरली विजिबल आई एम क्लियरली ऑडिबल लेट मी नो कम ऑन फास्ट ओके 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 सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑन द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और बेसिकली ये टॉपिक ज्योग्राफी से भी रिलेट करते हैं दीज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड विद ज्योग्राफी एज वेल एज इन्वायरमेंट पोर्शन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जिसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे वन इज़ एश्री इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ मैंग्रोव इकोसिस्टम गाइस जो एश्री इको सिस्टम है ये अपने आप में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है स्टूडेंट कान डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लगून कान डिफरेंशिएट बिटवीन द डेल्टा कान डिफरेंशिएट बिटवीन द एश्री कान डिफरेंशिएट बिटवीन द बैक वाटर्स सो गाइज बेसिकली टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एश्री इको सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है एश्री इको सिस्टम आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो हमारे फ्यूचर के लिए होने वाली है अगर हम बात करें अगर हम बात करें गाइज दीज इज मैंग्रूव वेजिटेशन दीज मैंग्रूव वेजिटेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो गाइज जब आपका सी लेवल राइज होगा तो एट दैट टाइम दीज मैंग्रूव फॉरेस्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जो कोस्टल एरिया है आपको पता है कि कोस्टल एरिया क्या होता जा रहा है आपका एक तरीके से इरोड होता जा रहा है तो उस इरोजन के प्रोटेक्शन से प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल अब मैं बात करूंगा कि कैसे दीज मैंग्रूव फॉरेस्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग प्रोटेक्शन्स ऑफ इरोजन रिगार्डिंग कोस्टल एरियाज इंडिया में कहाँ कहाँ पर मैंग्रूव फॉरेस्ट लाई करते हैं वर्ल्ड में किस किस एरिया में मैंग्रूव फॉरेस्ट लाई करते हैं व्हाट आर हैलोफाइट्स वॉट आर निमोटोफोर्स वॉट आर वीवी पैरिटी ये सारे कंसेप्ट को आज के हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं सो so गाय बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है विदाउट एनी डिले चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से

ज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और फाइव पी एम पर हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जहां पर आज हम सिटीजनशिप को कवर करने वाले हैं सिटीजनशिप के जो आर्टिकल है उसको कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक आपका फाइव पी एम होने वाला है सो गाइज बिल्कुल फ्री क्लासेज है जस्ट यूज द कोट कैपिटल ए एम टेन आपको कैपिटल ए एम टेन कोड यूज़ करना और आप फ्री में एनरोल कर जाओगे इन क्लासेज में एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज़ आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो अनकेडमी ऐप पर फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स ताकि आपको रेगुलर नोटिफाइड नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहे वहीं पर गाइज अगर हम बात करें अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन यहां पर आपको अमेजिंग ऑफर चल रहे हैं अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन पर जिसके अंदर पूरी कंप्लीट प्रम्स पूरा मेन्स पूरा ऑप्शनल प्लस पूरा इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन आपको एक ही जगह मिलेंगी कहीं जाने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर प्रलम्स में ऑप्शनल इंटरव्यू के साथ साथ गाइड अगर आप ए एम टेन कोड यूज करते हो तो यू विल गेट एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट प्लस आपको थ्री मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा इट मीन्स कि आप फिफ्टी फोर थाउजेंड रुपीज को सेव कर रहे हो यूजिंग द कोड कैपिटल ए एम टेन एंड बेस्ट थिंग इज नॉट दैट यू आर सेविंग ट्वेंटी परसेंट और थ्री मंथ्स एक्सटेंशन इट मीन्स डायरेक्टली आई कैन गाइड यू आई कैन मेंटर यू रिगार्डिंग यूर प्रिपेशन क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है चीजों को कैसे कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए वो सारे पॉइंट के साथ मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं इस सब्सक्रिप्शन में तो गाइज बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए विद इन वन और टू डेज के और बसते हैं ऑफर में सो जस्ट यूज द कोर्ट कैपिटल ए एम टेन एंड यू विल गेट दैट बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम मी रिगार्डिंग मेंटरशिप वहीं पर गाइज आपको पता है सिविल सर्विस चैंपियनशिप जो कि आपको फिफ्टीन करोड़ रुपीज तक की स्कॉलरशिप मिलेगी ट्वेंटी सेवन्थ मार्च को आपका अन अकेडमी की ऐप पर है मॉर्निंग में इलेवन ए ए एम गाइज ऑलरेडी आपके कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है जस्ट यूज द कोर्ट कैपिटल ए एम टेन और आप इसमें एनरोल कर सकते हो वहीं पर गाइज अगर मैं बात करूँ यूपीएससी के मेंस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है सो दो स्टूडेंट हु क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू और बिल्कुल फ्री इंटरव्यू है आपके लिए और एक्सपीरियंस पैनल ऑफ मेंटर्स है दुर्गा शक्ति नागपाल अमनप्रीत हर्ष ये दीज ऑल आर द एक्सपर्ट्स जो अपने सेक्रेटरी पोस्ट पर रिटायर्ड आई ए एस है तो बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज है एक्सपीरियंस मेंटर्स है जो आपको हेल्प करने वाले हैं वहीं पर गाइज अगर हम बात करें अन लाइट दैट मींस आप अन अकेडमी की टेस्टरी ज्वाइन कर सकते हो फॉर सिक्स मंथ्स मंथ्स, और बिकॉज़ आपको पता है पेपर आपके पास आ चुके हैं जस्ट यूज कोड कैपिटल ए एम टेन और जैसे ही आप एम टेन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वहीं पर बहुत नॉमिनल प्राइस है थ्री थाउजेंड और फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड और एक्स्ट्रा ए एम टेन कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा पर्सनल कोच मेंटरशिप मेंस आंसर राइटिंग स्टडी प्लानर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अनकेडमी सब्सक्रिप्शन पर यूज द कोड ए एम टेन आंसर राइटिंग क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ओपन हाउस विद डायरेक्टली एजुकेटर सारी चीजें आपको मिलेंगी अनकेडमी सब्सक्रिप्शन पर पी ए आपको उसके साथ साथ पी डी एफ प्लस उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है मेरे साथ साथ एक मेंटर और असाइन होगा अनएकेडमी के एंड से जो आपको हेल्प करेगा वहीं पर गाइस ट्वेल्व मंथ वन ईयर टू ईयर का सब्सक्रिप्शन है यूजिंग ए एम टेन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वही

अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन थ्रू लोन कोई भी पेपर वर्क बहुत ही मिनिमल पेपर वर्क है टू आवर्स के अंदर अप्रूवल है जस्ट यूज़ द कोड कैपिटल ए एम टेन और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो नोट वन पॉइंट यूज ऑनली कोड ए एम टेन बिकॉज इसी से आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है वहीं पर गाइज आपको क्रेडिट कार्ड से भी आप ले सकते हो ई एम आई विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट जस्ट सिंपली ई एम आई पे करनी है यूजिंग द कोड ए एम टेन सो गाइज़ आते हैं हमारे टॉपिक पर दैट इज एश्री इकोसिस्टम व्हाट इज़ एश्री इको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे सो so गाइज कौन कौन स्टूडेंट मुझे फटाफट -फड़ जल्दी से बताया व्हाट इज़ एश्री इको क्या समझते हो आप एश्चरी इको से मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ डेल्टा ऐश्री सो बेसिकली वॉट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एश्च्री एश्री क्या होती है फटाफट फड़ जल्दी से बताइए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फटाफट फड़ सभी स्टूडेंट एक बार लाइक like, शेयर कर दीजिए ताकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस सेशन बहुत ही अच्छे से चीजों को कवर करने वाले हैं फटाफट जल्दी से बताइए ऐश्च्री देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है ऐश्चरी गाइज वो पार्ट जहां पर रिवर ओशंस के साथ जाके मिलती है वहां पर जो इकोसिस्टम सिस्टम फॉर्मड होता है उसको ऐश्री बोलते हैं समझ नहीं आया मैं आपको दोबारा समझाता हूं देखिए गाइज अगर आप देखोगे यहां पर ये यह रिवर आपकी यहां से रिवर आ रही है और यहां पर ये यह ओपन सी है और डायरेक्टली अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं यहां पर ये यह रिवर आ रही है ये रिवर जहां पर आके सी में मिलेगी वहां पर जो इकोसिस्टम प्रोवाइड होगा क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे ऐश्च्री एश्री का मतलब है दैट मींस वो एरिया जहां पर फ्रेश वाटर आपका सॉल्टी वाटर से आके मिक्स होता है वहां पर आपके ऐश्री का फॉर्मेशन होता है दिस इज नोन एज दी इकोसिस्टम ये पूरा आपका एश्री इकोसिस्टम है आपको दिख रहा होगा यहां पर क्लियरली कोई दिक्कत परेशानी so, सो एश्री इकोसिस्टम अगर आपसे पूछे इट इज द प्लेस वेयर रिवर और स्ट्रीम ओपन इन द ओशियन और इन द सी दैट मीन जो रिवर का माउथ है वो ओपन हो रहा है सी में या किसी ओशियन में उस एरिया को बोलते हैं एंड इज नोन विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स कहीं पर इसको बैक लगून बोलते हैं कहीं पर सैंडवर्स का उससे कहीं पर आपका बे हो गया ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से आपको एसरी बोला जाता है और एश्री का जो फॉर्मेशन है वो भी अलग अलग तरीके से आपका होता है वो भी मैं आगे जाके आज आपके डिस्कस करने वाला हूं समझ में आ गया तो याद रखना कि मैक्सिमम हमेशा नेसेसरी नहीं है कि जहां पर रिवर ओशियन से मिलेगी वहां पर एस्ट्री बनेगी बनेगी इट इज नॉट श्योर 100% शॉर्टी के साथ नहीं बोल सकते कि जहां पर रिवर ओशन के साथ मिलेगी वहां पर डेफिनेटली एस्ट्री बनेगी बट याद रखना जहां पर रिवर फ्रेश वाटर ओशन वाटर के साथ मिलता है सॉल्टी वाटर के साथ मिलता है वहां पर एस्ट्री का फॉर्मेशन होता है अगर मैं बात करूं यहां पर ठीक है तो गाइस बेसिकली यहां पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ये यह देखिए यहां पर ये यह एस्ट्री बन गया ये बैकवाटर है ओशन का ये रिवर आ रही है तो यहां पर ये ऐश्वरी जैसे बना मान के चलिए इस वाले एरिया पर समझने की कोशिश करना जहां पर ऐश्वरी बना इस तरीके से तो जो ये ऐश्चरी है ना इसका ये हेड है ऐश्वरी का इसको हेड बोलेंगे यहां पर ऐश्वरी का हेड बोलेंगे और इस वाले एरिया को ऐश्वरी का माउथ बोलेंगे मतलब क्या जहां पर माउथ है वहां पर तो ऐश्री में माउथ पर तो जो ओशन का वाटर है वो आके मिक्सअप हो रहा है और जो आपका हेड है वहां पर रिवर का वाटर आके मिक्स हो रहा है वहां पर रिवर का वाटर आके मिक्स हो रहा है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एस्ट्री की पीपीटी होती है वो यहाँ पर जो सैलिनिटी होती है वो जीरो से थर्टी फाइव पीपीटी होती है इट मींस कि यहाँ की जो पीपीटी होती है वो आपकी थर्टी फाइव पार्ट पर थाउजेंड सॉल्ट इसके अंदर होता है कहां पर जहां पर एस्ट्री है तो सर बेसिकली फ्रेश वाटर ओशियन वाटर और एस्ट्री में क्या डिफरेंस है हमेशा याद रखना जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर जो सेलिनिटी होती है वो जीरो से फाइव पीपीटी होती है पार्ट्स पर थाउजेंड जीरो से फाइव किसके अंदर फ्रेश वाटर के अंदर वहीं पर जो ओशियन वाटर होता है ओशियन वाटर के अंदर जो पीपीटी होती है वो थर्टी फाइव से ज्यादा होती है 35 से ज्यादा सेलिनिटी होती है ओशियन वाटर की और वहीं पर जो आपकी एसट्रीज होती हैं जिनको हम वाटर के नाम से भी जानते हैं जिनको lagoons के नाम से भी जानते हैं जिनको एस्ट्री के नाम से भी जानते हैं जिनको बेस के नाम से भी जानते हैं वहां पर जो सेलिनिटी है वो आपकी जीरो से लेके थर्टी के बीच में होती है हमेशा याद रखना इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया क्लियर है किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए फाइन अब हम बात करते हैं कि दीज एस्ट्री आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इको सिस्टम एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया ऑन द वॉटर बॉडी इन द अर्थ सर्फेस याद रखना इस अर्थ सर्फेस पर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव अगर कोई वाटर एरिया है तो वो एश्रीज है क्यों सर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एश्रीज सबसे प्रोडक्टिव एरिया क्योंकि सर यहां पर जो न्यूट्रेंट्स हैं वो ओशियन से आ रहे हैं यहां पर जो न्यूट्रेंट्स हैं वो रिवर से आ रहे हैं तो दोनों जगह से न्यूट्रेंट्स यहां पर आके कलेक्ट हो रहे हैं इट मीन कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो यहां पर और एनरिच होगी क्योंकि न्यूट्रेंट्स बहुत ज्यादा आएंगे न्यूट्रेंट ज्यादा आएंगे तो जो स्पीसीज है वो ज्यादा आएंगी क्योंकि उनको फूड्स मिलेगा दैट्स वाई एस्ट्रीज वन ऑफ द मेजर इको और वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं जहां पर आपकी जो अगर हम बात करें प्रोडक्टिवनेस तो वो बहुत ज्यादा होगी इस इकोसिस्टम में क्योंकि दो जगह से इसको न्यूट्रेंट मिल रहे हैं ओशियन से भी मिल रहे हैं और आपके फ्रेश वाटर से भी न्यूट्रेंट्स मिल रहे हैं समझ में आ गया अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एश्री एंड डेल्टा मैं आपको बताता हूं एश्री एंड डेल्टा में क्या डिफरेंस है फटाफट जल्दी से आइए और चीजों को समझने की कोशिश करना गई जो एस्ट्री होती है ना इसमें क्या होता है कि आपकी जो रिवर है ना वो डायरेक्टली मिक्स हो जाती है आपके ओशियन वाटर के साथ दैट दीन जो फ्रेश वाटर है वो डायरेक्टली मिक्स हो रहा है बैक वाटर के साथ बट वहीं पर जो डेल्टा होता है ना डेल्टा तब बनता है जो रिवर्स आपकी जिनकी जो माउंटेन से आ रही हो जिनके अंदर सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा हो तो जो रिवर्स अपना सेडिमेंट्स लेके आती है ना उन सेडिमेंट्स को जब वो एंड पर पहुंचती है जब वो अपने एंड पर पहुंचती है जहां पर उनकी स्पीड स्लो होती है जहां पर वो ओशंस के साथ मिलने वाली होती है तो वहां पर आकर वो अपने सारे सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर देती है वहां पर अपने सारे सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर देती है तो यहां पर जो ये रिवर है फ्रेश वॉटर की और यहां पर जो ये ओशन है उनके बीच में डेल्टा बनता है दैट वहां पर आके हो जाते हैं उसी को बोलते हैं डेल्टा इट ये आपका जो डेल्टा है फिजिक्स में उस ट्रम पर ये सेडिमेंट्स आके यहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं डेल्टा की फॉर्म में ये सेडिमेंट्स यहां पर आके डिपॉजिट हो जाते हैं और ये डेल्टा सेपरेट द फ्रेश वॉटर ऑफ द रिवर विद द ब्रैकिश वॉटर और फिथ द ब्रैक वाटर ऑफ द ओशियन तो यहां पर ये डेल्टा का फॉर्मेशन होता है जो रिवर हिमालयन रिवर है जिनके अंदर सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होता है उनको हम बोलते हैं कि आपकी वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है वो किस चीज का फॉर्मेशन करती है सर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है समझ में आ गया बिल्कुल सही बात है ऐश्वरी आपका वेटलैंड्स के अंदर भी आ सकता है ऐश्वरी वेटलैंड्स के अंदर तब आएगा जब लो लेवल जो टाइड्स है उसका जो ले, ले, लो लेवल पर है या लो टाइड्स है और वहाँ पर जो डेप्थ है वो सिक्स मीटर से कम हो जहाँ पर जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर लो टाइड में जो वाटर लेवल है वो सिक्स मीटर से कम है तो वेटलैंड के अंदर आ जाएगा जो ऐश्च्री है समझ में आ गया तो एश्चुरी के अंदर जो मैंग्रोव वेजिटेशन है जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो इन्हीं एस्ट्री के अंदर ग्रो होता है बेसिकली दैट जहां पर रिवर आके मिलती है है ओशन के साथ सर ऐसा क्यों होता है? वो मैं जब मैंग्रोव इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा आज तब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंग्रोव इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए समझने की कोशिश करना मैंग्रोव इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेडिमेंट्स की जरूरत होती है सिल्ट की जरूरत होती है और वो सिल्ट कहां पर मिलता है मैक्सिमम जब रिवर्स अपने सेडिमेंट्स लेके आती है और वहां पर जहां पर ओशियन सॉल्ट वाटर पर ग्रो होते हैं सबसे ज्यादा वो आगे जाके हम कवर करने वाले हैं समझ में आ गया तो हमने क्या बात की कि व्हाट इज एस्टरी तो आपको बताना है कि सर एस्टरी वो एरिया है जहां पर रिवर मीट करती है सी से रिवर समुद्र से मीट कर रही है और जहां पर सैलिनिटी आपका 0 से लेके 35 पीपीटी होती है Okay, and क्या सब्जेक्ट है मतलब जो आपकी टाइड्स है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जो एश्चरी का अगर आपसे कोई पूछा जाए कि फॉर्मेशन किन किन कारणों से होता है तो एश्चरी का फॉर्मेशन इन चार कारणों से होता है अगर आपका सी लेवल राइज कर जाए तो एशुरी का फॉर्मेशन होगा जब लेवल का होगा, तो वहां पर एश्चुरी का फॉर्मेशन होगा ये पॉइंट याद रखना ठीक है समझ में आ गया उसके बाद मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स जो सैंड बार्स होते हैं जो सैंड का कलेक्शन होता है वहां पर आपका एश्चरी बनती है दीज आर सैंड बार्स ये बार दिख रहा है आपको ये बार्स है। समझ में आया यहां पर रिवर का फ्रेश वाटर आया यहां पर ओशियन का ब्रैकिश वाटर आया तो यहां पर क्या हो गया दिस इज़ द ओशियन वाटर और जहां पर फ्रेश वाटर और ये क्या बन गई एश्री और किसने बनाई सैंड ने यहां पर जब ओशियंस जाता है तो सेडिमेंट्स लेके आता है समझने की कोशिश करना ओशियन जब यहां पर गया इस तरीके से तो ये क्या करेगा यहां पर इरोजन करके आएगा सेडिमेंट्स तो जब वॉश अवे हो रहा होगा तो यहां पर यह सेडिमेंट्स का कलेक्शन कर देगा और ये सैंड बार्स है ना यहां पर एक तरीके से एनक्लोज बॉडी बन जाएगी सेमी एनक्लोज बॉडी बन जाएगी और वहां पर क्या होगा ये वाटर कलेक्शन हो जाएगा जहां पर फ्रेश और ब्रैकिश वॉटर दोनों कलेक्ट होकर एश्री का फॉर्मेशन हो जाएगा किस किस को चीजें समझ में आई और किस किस के ऊपर से गई समझ में आ गया ठीक है हमेशा अगर आपसे कोई पूछे कि एश्री कहां बनेगी रिवर के अपर कोर्स में बनेगी रिवर के मिडिल कोर्स में बनेगी या रिवर के लोअर एंड में बनेगी तो हमेशा याद रखना एश्री इज फॉर्मड एट द लोअर एंड ऑफ द रिवर रिवर का जहां पर लोअर एंड होगा वहां पर एश्री का फॉर्मेशन होगा क्लियर है फाइन किसी को भी कोई डाउट तो याद रखना जहां पर सी लेवल का राइज होगा वहां पर एस्ट्री का फॉर्मेशन होगा जहां पर मूवमेंट ऑफ सैंड बार्स होगा वहां पर एस्ट्री का फॉर्मेशन होगा जहां पर ग्लेशियर प्रोसेसेस होंगे ग्लेशियर प्रोसेसेस कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ग्लेशियर प्रोसेसिस कैसे होते हैं <clears throat> मान के चलिए यहां पर एक ग्लेशियर है यहां पर एक ग्लेशियर है इस तरीके से ये ग्लेशियर मूव कर रहा है और उसी के बाद यहां पर क्या है आपका ओशियन है इस तरीके से ग्लेशियर मूव कर रहा है अब क्या हुआ जब यहां पर ये यह ग्लेशियर मूव करेगा तो एक तरीके से डिप्रेशन क्रिएट कर देगा डिप्रेशन क्रिएट कर देगा फाइन उसके बाद क्या होगा ये ओशन का जो सी लेवल है अगर ये राइज होगा तो वो इस डिप्रेशन में आके आके यहां पर होना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर से जो ग्लेशियर का फ्रेश वॉटर है वो भी आपका मेल्ट होके यहां पर आके मिक्स होगा तो यहां पर ओशन का वॉटर और ग्लेशियर का वाटर दोनों का आके मिक्स होगा और यहां पर बनेगी एश्चुरी किसके कारण ग्लेशियल के कारण ग्लेशियल प्रोसेसेस के कारण यहां पर क्या बन रही है एश्चुरी का फॉर्मेशन भी हो रहा है समझ में आ गया क्लियर है उसके बाद टेक्टोनिक ओरिजिन से भी आपकी क्या बनती है टेक्टोनिक प्रोसेस से भी आपकी

यहां पर एक सैन फ्रांसिस्को बे है यूएसए में यूएसए में इधर की तरफ एक बे है इस तरीके से उस बे का नाम है सैन फ्रांसिस्को बे और ये क्या है एक एसट्री है एक तरीके से एश्री है कैसे बना आपको मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहां पर है यूएसए में है वहां पर क्या हुआ आपकी प्लेट इस तरीके से पैलली मूव कर रही थी और वहां पर फॉल्ट बना सैन फॉल्ट के कारण वहां पर टेक्टोनिकली एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया और उस डिप्रेशन में यहां से रिवर का फ्रेश वाटर और यहां से ओशियन का सॉल्टी वाटर यह मिक्स हो गया और इसी वजह से यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ यहां पर एश्चरी का फॉर्मेशन हुआ कहीं पर भी इस तरीके से डिटेल में चीजें नहीं मिलेंगी कहीं पर भी इस तरीके से डिटेल में चीजें नहीं मिलेंगी सो टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण एश्री मिली ग्लेशियल प्रोसेस के कारण एश्री का फॉर्मेशन हुआ सैंड बार्स और सैंड के मूवमेंट्स के कारण एश्री का फॉर्मेशन हुआ और सी लेवल के राइज होने से एश्री का फॉर्मेशन हुआ दिक्कत कुछ भी हो तो बताइए क्लियर है फाइन दोबारा बताऊं कुछ दिक्कत परेशानी लाइक शेयर कर दीजिए अगर कंसेप्ट अभी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं जस्ट वेट एंड वॉच मैंग्रोव इकोसिस्टम बहुत सारी चीजें आने वाली है आपको समझ में आ गया फाइन समझ में आ गया क्लियर है तो हमेशा याद रखना कि जो एश्री इकोसिस्टम होता है ना इसमें जो रिवर आती है ये अपने साथ सिल्ट लेके आती है और दी सिल्ट आर वेरी फर्टाइल ये फर्टाइल होती है तो यहां पर जो मैंग्रोव वेजिटेशन है उसकी भी ग्रोथ होती है जब मैंग्रोव को पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो अगर आपसे पूछा जाए वॉट इज वॉट इज एश्री तो आपको बताना है सर एश्री एक ट्रांजिशन जोन है क्या है एक ट्रांजिशन जोन है ट्रांजिशन जोन मतलब यहां पर ये फ्रेश यहां पर ये ओशियन वाटर और यहां पर ये फ्रेश वाटर इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है और एक तरीके से इकोटोन का फॉर्मेशन करता है इकोटोन का फॉर्मेशन करता है जहां पर फ्रेश वाटर और बैक वाटर दोनों मिक्स हो रहे हैं दैट मींस यहां पर वो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो फ्रेश वाटर के होंगे और वो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर पाएंगे जो बैक वाटर के होंगे समझ में आ गया तो राइजिंग ऑफ सी लेवल से भी ऐशरी का फॉर्मेशन होता है याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि ऐश्री के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या होते हैं कहां कहां बनती है बन सकती है रिवर के माउथ पर जहां पर रिवर ओशियन में आके ड्रेन होती है वहां पर ऐश्री का फॉर्मेशन होगा ठीक है बहुत ज्यादा डिटेल में आपको चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखिए एश्री का फॉर्मेशन होगा जहां पर लगून का फॉर्मेशन होगा लगून भी एक ऐश्वरी का एग्जाम्पल है वहीं पर जो डेल्टा है डेल्टा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एश्री डेल्टा भी एक तरीके से एश्री का एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं क्योंकि जहां पर डेल्टा बनता है वहां पर भी ओशियन वाटर और फ्रेश वाटर मिक्सअप होता है बट डिफरेंस इतना होता है कि वहां पर सेडिमेंट्स थोड़ा ज्यादा आ जाते हैं बट एक तरीके से वहां पर भी मिक्सअप होता है क्लियर है जो कोस्टल बेज होते हैं कोस्टल बेज जो कोस्टल बे होते हैं वो भी एक तरीके से एश्री का एग्जाम्पल है समझ में आ गया उसके साथ साथ जो टाइडल मार्शेज होते हैं ट्रांजिशन जोन है, है। so तो दैट मींस यहां पर यह इकोटोन है ट्रांजिशन जोन है बिटवीन फ्रेश वाटर और बैकिश वॉटर और इसी के कारण यहां पर न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं और बायोडायवर्सिटी यहां पर बहुत ज्यादा रिच होती है इस वाले एरिया में ड्यू टू द

Ocean का सरफेस लेवल यहां पर है अब सी लेवल राइज राइज होगा, वाटर वाटर ऊपर आएगा, तो ये होके कहां पर एंटर करेगा ये करेगा लैंड पे तो यहां से ब्रैकिश वाटर राइज होने से ऊपर की तरफ आ गया और यहां से रिवर का वाटर तो सी लेवल राइज होने से क्या बन गया एस का फॉर्मेशन बना सैंड बार्स के कारण ये सैंड बार्स है यहां पर सैंड बार्स और सैंड मूवमेंट्स के कारण एसच्री का फॉर्मेशन होता है क्लियर है उसके साथ साथ ग्लेशियल प्रोसेस के कारण ग्लेशियल प्रोसेस क्या होते हैं मैंने आपको बताया समझने की कोशिश करना यहाँ पर दोबारा समझाता हूँ मान के चलिए यहाँ पर यह हमारा कोई माउंटेन है यहां पर ग्लेशियल इस तरीके से मूव कर रहा है इस तरीके से ये ग्लेशियर मूव कर रहा है उसी के बाद यहां पर आपका जो ओशियन है वो स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से ओशियन

क्लियर है और यहां पर जो ग्लेशियर है उसका वाटर मेल्ट होकर कहीं से इस वाले एरिया में आके डिपोजिट हो जाएगा मींस ग्लेशियर का ये फ्रेश वाटर और यहां पर ये ओशन है इसका बैक वाटर ये दोनों मिक्स होंगे और यहां पर बनेगी एश् यहां पर बनेगी एश् समझ में आ गया ठीक है टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण भी थ्री बनती हैं ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट जब हमारी प्लेट कन्वर्स होती है डाइवर्स होती है और ट्रांसफॉर्म होती है पैलल मूव करती हैं तो उनके कारण डिप्रेशन क्रिएट होता है डिप्रेशन बनते हैं एंड ड्यू टू दैट डिप्रेशन उन डिप्रेशन के कारण आपका क्या चीज हो रही है गाइस ड्यू टू दैट डिप्रेशन वहां पर आपके वॉटर फिलअप हो रहे हैं कोस्टल एरियाज पर जो डिप्रेशन बनते हैं ना तो उन डिप्रेशन में जो फ्रेश वॉटर रिवर है वो आती है प्लस यहां से ओशियस का वाटर आता है और वो वहां पर डिपोजिट हो जाता है ड्यू टू दैट डिप्रेशन वहां पर ऐश्वरी का फॉर्मेशन होता है समझ में आ गया सारी चीजें बताऊंगा आगे करके एक एक करके अब हमारा ये ऐश्वरी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया अब बात करते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऐश्वरी की समझने की कोशिश करना ऐश्वरी की क्या क्या आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती है समझ में आ गया गाइज हमेशा याद रखना कि जो हमारी एशरीज है वो दिन में दो से तीन बार टाइडल जो वेव एक्शन होता है उससे वॉश होती है क्यों क्योंकि अगर आप देखोगे टाइट्स जब सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपको पता है डाई यूरेनल टाइट्स आती हैं हाई टाइट्स और लो टाइड्स आती हैं तो जब ये हाई टाइड्स आएंगी तो ये एश्री क्या होगा वॉश अवे होंगी इनमें वाटर ऊपर तक आएगा फिर लो टाइड आएगी फिर वापिस जाएगा सो याद रखना जो एश्री है ना वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस्ड होती है ड्यू टू द टाइडल एक्शन एक्शन के कारण होती है टाइड्स के कारण क्या है ये आपकी समझ में आ गया क्लियर है तो एशरी का फॉर्मेशन होता है वो मतलब टाइड्स के कारण जो एशरी है ना ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं समझ में आ गया सो so, जो सी वाटर है उससे क्या होता है पीरियडिकली दैट मीनस एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर ये टाइट्स आएंगी इसको वॉश करेंगी वापस चली जाएंगी किसको एशरीज वॉटर को एशरीज वाटर को समझ में आ गया ठीक है फाइन किसी को भी कोई डाउट तो कभी कभी क्या होता है जब ये एसरी समझने की कोशिश करना कभी कभी क्या होता है जब ये एस में जो टाइड्स आती है ना जब ये बहुत हाई टाइड्स आती है तो यहां पर जो इको एक, है पूरा जो यहां का एक तरीके से इको के साथ साथ जो यहां पर आपका पॉपुलेशन है इस एश्चुरीज की उसको भी इफेक्ट पहुंचता है ड्यू टू दैट दैट टाइड्स सुनामी आने से एशरी नहीं बनती सुनामी तो हाई वेव्स होती है उनके कारण एशरीज नहीं बनती सुनामी के कारण एश्रीज नहीं बनती जो नॉर्मल हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती हैं उनसे एश्रीज बनती हैं याद रखना समझ में आ गया क्लियर है अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है यहां पर फिल्टर फॉर रिवर वाटर यहां पर रिवर का वाटर मिलेगा प्लस ट्रैप्स मड मड सैंड और सेमी एनक्लोज कोस्टल बॉडी दैट मीनस ये इस तरीके से सेमी एनक्लोज कोस्टल बॉडी रहती है जो आपकी एसरीज है अगर मैं बात करूं यहां से रिवर आ रही है तो इस तरीके से रिवर आएगी यहां पर इस तरीके से क्या रहता है ये सेमी एनक्लोज बॉडी रहती है और यहां से ओशियन वाटर आ रहा है सो दीज आर द सेमी एनक्लोज रिवर बॉडी कनेक्शन होता है इनका ओपन सीज के साथ डायरेक्टली ओपन सीज से उसके साथ साथ जो यहां पर सेलिनिटी होती है वो जीरो से लेके थर्टी फाइव पीपीटी तक होती है पॉपुलेटेड दैट मींस यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है याद रखना वर्ल्ड की पॉइंट टू बी नोटेड वर्ल्ड की सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन एश्री वाले एरिया में रहती है इट मीनस कोस्टल एरियाज में रहती है वर्ल्ड की सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की 60 परसेंट पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज पर रहती है जहां पर एश्री का फॉर्मेशन होता है और याद रखना यहां पर लिटिल वेव एक्शन वेव्स भी आती हैं जो हाई टाइड्स लो टाइड्स आती हैं उनके कारण भी इंफ्लुएंस्ड होती हैं ये एश्रीज और वर्ल्ड की 60 परसेंट चाहे तो आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ना वो सेंटर से डेजर्ट है सूखी है तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी कंट्रीज हैं अगर हम बात करें ब्रिस्बेन हो गया सिडनी हो गया कैनबरा हो गया मेलबर्न हो गया एडिलेट हो गया उसके बाद पर्थ हो गया उसके बाद डार्विन हो गया हॉबार्ट हो गया ये सारी सिटीज कोस्टल एरियाज पर हैं जहां पर एश्रीज का एक तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है तो याद रखना जितनी भी मेजर पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो कहां पर रह रही है कोस्टल एरियाज पर रह रही है एश्री वाले एरिया पर रह रही है याद रखना यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर रिवर का फ्रेश वॉटर आके मिल रहा है आपके ओशन के वाटर के साथ उस वाले एरिया पर पॉपुलेशन बहुत हाई है रीजन आगे बताने वाला हूं कि ऐसा स्पेसिफिक क्यों रीजन है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है यह चीजें भी बताने वाला हूं समझ में आ गया ठीक है ओके फाइन बेसिकलीज आर द बायोलॉजिकली मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रीजन है अगर आपसे पूछे किल्ड के कौन से नंबर पर आता है तो याद रखना अगर इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो रिच है बायोडाइवर्सिटी में वो एरिया है कोरल रीफ कोरल रीफ इज नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन ओशन के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोले जाते हैं कोरल रीफ और यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है एक बार यूपीएससी प्रीवियस टू थ्री क्वेश्चन आया था बताइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वॉटर का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है कोरल रीफ सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है में, उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो स्पीशीज रिचनेस है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सेकेंड नंबर पर स्पीसीज रिचनेस में है जहां पर फ्लोरा एंड की स्पीसीज बहुत ज्यादा है और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें वो आपका एश्री इकोसिस्टमिक मैंग्रूव इकोसिस्टम जहां पर है वहां पर आपका बहुत ज्यादा रिचनेस है बायोडाइवर्सिटी की इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी मैंने रीजन बताया क्यों रिच है क्योंकि फ्रेश वाटर से जो न्यूट्रेंट आ रहे हैं रिवर से प्लस ओशन के जो न्यूट्रेंट आ रहे हैं ड्यू टू दैट वहां पर फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल है एंड ड्यू टू दैट रीजन दीज़ आर द बायोलॉजिकली मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन एंड रिसीव द हाई अमाउंट ऑफ द न्यूट्रेंट फ्रॉम फ्रेश एंड एज वेल एज मरीन वॉटर दोनों वॉटर से रिसीव करता है समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत परेशानी कि कहां पर क्या क्या पॉइंट है तो हमारे जो एशरीज़ है ना यहां पर अपने आप में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है ड्यू टू द रिचनेस ऑफ न्यूट्रेंट्स फाइन तो क्या क्या चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया और याद रखना कि दीज एश्री इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन जोन एंड दीज एश्री इज ऑल्सो नोन एज द इकोटोन इकोटोन के नाम से भी बिकॉज दो इको आपस में मिल रहे हैं फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम और मरीन वॉटर इकोसिस्टम दोनों यहां पर मिल रहे हैं तो इसके कारण आपकी जो है वो अलग अलग वेरिबिलिटी को, को देखते हुए रहती है मान के चलिए यहां पर ये यह है दिस इज नोन एज द माउथ ये माउथ है समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दिस इज नोन एज द हेड यहां पर फ्रेश वॉटर रिवर मिल रही है सो दिस इज नोन एज द हेड और यहां पर दिस इज द माउथ ऑफ द दी यहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगी यहां पर सैलिनिटी कम होगी क्योंकि फ्रेश वाटर है तो जहां पर सैलिनिटी कम होगी यहां पर वो स्पीसी सस्टेन कर रही होगी जो कम सैलिनिटी में भी सर्वाइव कर पाती है और यहां पर वो स्पीसीज रह रही होगी जिसको सेलिनिटी ज्यादा में भी आपका सर्वाइव कर सकती है और यहां पर वो स्पीसी भी रह रही होंगी अगर में वेरिबिलिटी आती है चेंज आता है तो वो वेरिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर सके क्योंकि जो फ्रेश वाटर है और ब्लैक वाटर है उसके कारण डिफरेंट रेशो में मिक्सअप होने के कारण यहां पर सेलिनिटी का जो रेट है वो भी वेरी कर सकता है इसी वजह से यहां पर वो स्पीसी सस्टेन कर पाएंगी जो एक रेंज ऑफ सेलिनिटी में सर्वाइव करती हैं। सर कोरल भी रिच है और ऐश्चरी भी रिच है अभी सब चीजें बताऊंगा आज ऐश्चरी इकोसिस्टम को पढ़ लीजिए आज मैंग्रोव को पढ़ लीजिए कल का टॉपिक कोरल रीफ है यहीं पर मिलेंगे कोरल रीफ्स के बारे में जूज एंथलेव क्या फाइटो क्या जू प्लैंगटोन सब चीजें कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं कोरल ब्लीचिंग क्या होता है व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है कैसे क्या क्या चीजें कल की क्लास में पढ़ेंगे याद रखना कोरल रीफ इज अ डिफरेंट इकोसिस्टम एश्री इज अ डिफरेंट इकोसिस्टम एंड मैंग्रोव अपने आप में एक एश्री का ही पार्ट है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में एक अलग टाइप की वेजिटेशन है मैंग्रूव मेंगरू, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनका रिप्रोडक्शन का तरीका वीवी -वी पैरिटी होता है वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट सारी चीजें आज के ही टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है सैटरडे संडे कुछ भी हो कल तब भी क्लास होगी कोई सैटरडे संडे नहीं है जब हम ऑफ ले लेते हैं तो उसके बाद आज क्लास होगी कल क्लास होगी चाहे सैटरडे हो चाहे कुछ भी हो कल रेगुलर टाइम पर क्लास होगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है जो सुंदरबन डेल्टा इट इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ एश्री याद रखना वो भी डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा इट इज पार्ट ऑफ एश्री अगर मैं बात करूं में डिफरेंस थोड़ा सा ये हो जाता है कि बैक वॉटर फ्रेश वाटर डायरेक्टली मिल रहे हैं बट वहां पर भी तो बैक वाटर फ्रेश वाटर मिल रहे हैं बट डिफरेंस इज दैट वहां पर सेडिमेंट्स आ रहे हैं और वहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इको किसका एश्री का एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको और जान के और सोच के हैरानी होगी और शंकर क्या कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा आपने हमेशा सुना होगा कि जो मैक्सिमम डेल्टा है वो ईस्ट कोस्ट पर मिलते हैं बे, बंगाल में बट याद रखना जो मैक्सिमम एश्रीज है ना वो ईस्ट कोस्ट पर मिलती है जो इंडिया में मैक्सिमम एश्रीज का फॉर्मेशन होता है वो आपकी ईस्ट कोस्ट पर होता है जो मेजर रिवर्स है कृष्णा कावेरी गोदावरी वो सब आपका डेल्टा के साथ साथ एक तरीके से एक एक का भी पार्ट है क्योंकि तो वहां पर रिवर फ्रेश वाटर की बैक वाटर के साथ मिल रही है समझ रहे हो चीजों को फाइन किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक चीजें क्लियर है अगर क्लियर है लाइक like, शेयर जरूर करते रहिए ठीक है थीके, अभी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं समझ में आ गया समझ में आ गया फाइन तो बेसिकली जो है ना यहां पर जो वेव एक्शन है ड्यू टू दैट क्लोज बार वहां पर वेव एक्शन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता मान के चलिए अगर यहां पर एक पॉइंट समझिए यहां पर ये यह है ये वाला पार्ट ठीक है यहां पर वेव का एक्शन आया बट इस वाले पार्ट पर वेव का इफेक्शन कम इम्पैक्ट करेगा वेव का एक्शन क्या करेगा कम इंपैक्ट करेगा जिसके कारण यहां पर काम रिफ्यूज एरिया है इसके कारण इस काम रिफ्यूज एरिया पर जो स्पीशीज है उनके लिए यहां पर सरवाइव करना एक तरीके से आइडियल कंडीशन है इसी वजह से इस इकोसिस्टम एचरीज एक, वाले में कहीं ना कहीं हैवी पॉपुलेटेड जो आपकी स्पीसीज है एक्वेटिक वो सरवाइव करती है याद रखना समझ में आ गया और इसी के कारण वर्ल्ड की 60 परसेंट पॉपुलेशन एच्री एरिया पर और कोस्टल एरिया पर सरवाइव करती है समझ में आ गया फाइन किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से फाइन क्लियर है तो याद रखना जो एश्री इकोसिस्टम है ये स्टोर करके रखता है लार्ज अमाउंट एंड रिसाइकिल लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट ये पॉइंट याद रखना समझ में आ गया जो क्या चीज है ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है बेसिकली कोस्टल कैचमेंट एरिया है और वहां पर जो मरीन इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक तरीके से एक बफर जोन की तरह क्रिएट हो रहा है ये वाला पूरा सिस्टम समझ में आ गया इसके साथ साथ जो एसरीज है इनका काम है एब्सॉर्व करना ट्रैप करना जो डिटॉक्सिक आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी एक तरीके से चीजों के साथ करता है है वो अलग बात है कि हम ह्यूमन ने यहां पर इन यहाँ को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि रिवर्स के अंदर इतना पॉल्यूशन हो गया है सीवेज का वेस्ट हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया फिशिंग हो गई ओवर फिशिंग ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया उस कारण से ये जो एश्रीज वाला एरिया है इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया जो कहीं ना कहीं डिग्रेड होता जा रहा है जो डिग्रेड होता जा रहा है समझ में आ रहा है चीज़ों के साथ बताइए फटाफट किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए कुछ भी कि सर क्या है कैसे है फाइन बिकॉज दीज एस्ट्री आज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एस्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वा कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो सुनामी वेव्स होती हैं उनसे अगर मैं बात करूं यहां पर जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है जो एस्ट्रीज के पास होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हाई सुनामी वेव्स जो हमारे कोस्टल एरियाज का जो इरोजन है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं वो आगे जाके और डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट वन बाय वन में पॉइंट के साथ ठीक है

आर द होम जो आपकी पूरी एश्री है इनका ये होम है यूनिक है अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग अलॉन्ग देश एंड एट्स कोस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ एशरी इको सिस्टम वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ एश्री इको सिस्टम एश्री इको सिस्टम का बेनिफिट है कमर्शियल फिशिंग फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पोर्ट्स एंड हार्बर्स यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर बनते हैं अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ हुगली रिवर का

सिल्ट डिपोजिट हो गई है तो जब सिल्ट हो गई है तो उसकी जो डेप्थ है सेलोनेश है वो कम हो चुकी है तो वहां पर आर्टिफिशियली तरीके से के थ्रू वहां का सिल्ट का रिमूवल किया जा रहा है सिल्ट का रिमूवल किया जा रहा है ताकि वहां के जो पोर्ट्स है ना वो आपका नेविगेट किया जा सके वहां पर जो सिप्स है ना वो इजली आ सके तो वो एक तरीके से एश्रीज को हम डिग्रेड कर रहे हैं और उस एस्ट्री के साथ साथ जो वहां पर इको है दैट इज मैंग्रूव इको जो सिल्ट में ग्रो होता है जो सैंड में ग्रो होता है वहां पर उसको भी इंपैक्ट पड़ रहा है बेसिकली जो हर सुप्रीम कोर्ट है महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से लताड़ा है कि आपको मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करना होगा मैंग्रोव की कम होती जा रही है। बताने वाला हूं उसके साथ साथ बेसिकली जो आपका रै... आपने ये इसके बारे में सुना होगा जो रैपिड मेट्रो है अगर बेसिकली मैं बात करूं रैपिड मेट्रो या जो आपकी जो जापान के साथ हमने करके गुजरात से मुंबई तक की जो हमारी एक्सप्रेस आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है दैट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हेल्प डिटेक्ट अगर मैं बात करूं उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सो गाइस ड्यू हैराउंड फिफ्टी फोर थाउजेंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की कटिंग होगी और उनको इंपैक्ट होने वाला है महाराष्ट्र और गुजरात के जो कोस्टल एरियाज है ड्यू टू दैट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और आपको मैं बता दूं दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट या एक तरीके से अगर हम बात करें दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फ्यूचर जनरेशन बिकॉज मे बी इन फ्यूचर टाइम जो आपका सी लेवल है वो बहुत ज्यादा राइज करने वाला है एंड ड्यू टू दैट राइज इन सी लेवल आपका कोस्टल इरोजन होने वाला है एंड कोस्टल इरोजन होगा तो हमारे कोस्टल एरियाज खत्म हो जाएंगे तो उसके लिए मैंग्रोव इकोसिस्टम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ये चीजें भी हमें पढ़नी होंगी समझ में आ गया क्लियर है बहुत ज्यादा शेलो वाटर भी एक तरीके से इंपैक्ट है शेलो वाटर ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल हार्बर बन सके बट इतना भी शेलो ना हो और वहां पर सेडिमेंट इतनी भी डिपोजिट ना हो कि जो शिप्स है ना वो आ ही ना सके फाइन सो बेनिफिट क्या क्या है पोर्ट्स ट्रेवल एंड टूरिज्म इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स बहुत सारे इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स एक्वाकल्चर हो गया ब्रीडिंग हॉट स्पॉट हो गया वाटर प्रो प्योरिफिकेशन मैंने कहा था ना वाटर को प्योरीफाइड करता है जो इंप्योरिटीज हैं उनको एचरीज रिमूव करती है रिक्रिएशनल एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स डैट मीन्स यहां पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती है इरोजन से प्रोटेक्शन करती है ये एचरीज उसके साथ साथ स्टोर एंड रिसाइकिल न्यूट्रेंट्स ये काम भी एचरीज का है कि न्यूट्रेंट्स को स्टोर करके रिसाइकिल करना समझ में आ गया क्लियर है अब हम बात करते हैं एस्ट्रीज इन इंडिया इंडिया के अंदर चौदह मेजर एस्ट्रीज है मतलब जहां पर फोर्टीन इंडिया के अंदर एस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं बट इंडिया के अंदर एस्ट्रीज वहां पर है जहां पर फोर्टीन मेन रिवर्स मिलती हैं इंडिया के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एश्री कहां कहां है जहां पर फोर्टीन मेन रिवर्स एग्जाम्पल नर्मदा तापी कु कृष्णा गोदावरी ये जो मेजर रिवर है फोर्टीन मेजर रिवर जहां पर मिलती है 44 मीडियम रिवर जहां पर मिलती है एंड 160 सिक्सटी माइनर रिवर जहां पर मिलती है वहां पर मेजर आपका क्या बनता है? बनता है 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 एश्री इकोसिस्टम एंड नोट पॉइंट आप लोगों को हमेशा यह डाउट रहता है कि जो बंगाल है वहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है बट एक तरीके से वहां पर बैक वाटर फ्रेश वाटर भी तो मिल रहा है तो वहां पर एक एश्री का एग्जांपल भी तो बनेगा तो इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम एश्रीज का फॉर्मेशन मिलता है इट इज इन बे ऑफ बंगाल रीजन दैट मीन इट इज इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर मिलती है याद रखना एक नया पॉइंट बता रहा हूं हमेशा आपने यह पढ़ा होगा कि जो एश्री है वो कहां पर मिलती है मैं भी आपको यही बताता था हमेशा की जो एश्री है वह वेस्टर्न कहां पर ईस्टर्न पर क्योंकि रिवर डायरेक्टली मिल रही है बट डायरेक्टली तो मिल रही है वहां पर सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो डेल्टा नहीं बन रहा है बट जहां पर बैक वाटर फ्रेश वाटर मिलेगा वहां पर भले ही डेल्टा बने या कुछ भी बने वहां पर एसरी जरूर बनेगी क्योंकि दोनों का मिक्सअप हो रहा है ये पॉइंट याद रखना सो बेसिकली वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर जनरली फास्ट मूविंग एंड वंस गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ एश्री और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये शॉर्ट होती है लेंथ में छोटी होती है इनके अंदर सेडिमेंट्स ज्यादा नहीं होता और स्पेशली डायरेक्ट ये फ्रेश वॉटर आपके ओशन के ब्रैकिश वाटर में मिक्सअप हो जाता है और वहां पर एश्री का फॉर्मेशन करते हैं बैक वॉटर केरला में है लगून इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक लगून इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो केरला में वेबनाड लेक है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पुलिकेट लेक है उड़ीसा में चिलिका लेक है दीज़ इज अ बैक वॉटर एंड लगून आर द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एश्री, ये एश्री का ही पार्ट है याद रखना समझ में आ गया सो बेसिकली यू कैन डिफ्रेंशिएट ऑन देश ऑफ डेप्थ आप डेप्थ के बेसिस पर इनको डिफरेंस कर सकते हो बिकॉज जो होता है ना ज़्यादा साइज में बड़ी होती है ऐशरी की डेप्थ ज्यादा होती है और वहीं पर जो लगून और बैक वॉटर है वहां पर भी फ्रेश वॉटर और आपका बैकिस वॉटर मिक्सअप एक तरीके से हो रहा है या बैक आके आपका डिपोजिट हो रहा है बट उनकी सेलोनेस उनकी डेप्थ और उनका साइज वो कम होता है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्री जो बैक वाटर और आपके लगून होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में उनकी डेप्थ कम होती है और ओशियन का जो वाटर होता है वो आके डिपोजिट हो जाता है अगर मैं बात करूं जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर किस तरीके से बनती है ये जो आपकी बैक वाटर या लगूंस है लगून इस तरीके से बनती है मान के चलिए कोस्टल एरियाज है, है. यहां पर ये यह वाटर आया ओशियन का

ठीक है बैक वाटर का जो ओशन का जो वाटर है वो यहां पर आकर डिपोजिट हो गया एनसीआरटी का कोर्स कौन बोल रहा है एनसीआरटी की आज से इलेवेंथ क्लास की एनसीआरटी स्टार्ट होने वाली है आज से इलेवेंथ क्लास की एनसीआरटी स्टार्ट होने वाली है आज एनसीआरटी स्टार्ट होने, होने वाली है आज से लोकेशन आज एनसीआरटी का टॉपिक है तो कौन बोल रहा है कि आपका खत्म हो गया सर खत्म कुछ नहीं हुआ इलेवेंथ क्लास की एनसीआरटी का पहला टॉपिक है समझ में आ गया आगे बढ़े लाइक like शेयर करते रहिए चीजें अगर क्लियर हो रही हों तो अब हम बात करते हैं इशू रिलेटिंग टू द इंडियन एस्ट्रीन इकोसिस्टम भारत की जो ऐश्च्री है उनके साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं चीजों के साथ समझने की कोशिश करना सब चीजें बताऊंगा कि लगून और ऐश्च्री में क्या डिफरेंस है क्या है कैसे कैसे है क्या क्या चीजें समझ में आ गया ठीक है ओके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं लगून और ऐश्वरी में क्या डिफरेंस है ऐश्वरी में क्या हो रहा है कि जो आपकी रिवर है समझने की कोशिश करना में क्या हो रहा है ये रिवर है फ्रेश वाटर की और ये बैक वाटर है या मान रहा हूं ये रिवर है फ्रेश वाटर की और ये बैक वाटर है ये दोनों मिक्सअप हो रहे हैं क्लियर है वहीं पर जो लगूनस है लगूनस में क्या आ रहा है जो ओशियन का बैक वाटर है वो आके यहां पर आपका डिपोजिट हो रहा है और एक तरीके से सेपरेटेड हो रहा है और यहां पर यह लगून का फॉर्मेशन हो रहा है समझ में आ गया तो लगून में क्या है एक स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर है समझ में आ गया जो सी से जो समुद्र से सेपरेट हो चुका है यहां पर किसी सैंडबार से या किसी भी सैंड के उससे ठीक है लो सैंड बैंक ने क्या कर दिया यहां पर ये सैंड के डिपोजिट बन चुके हैं इसने इस बैक वाटर को सेपरेट कर दिया सी के बैक वाटर से और यहां पर जो बना उसको लगून बोलते हैं यहां पर जो बना उसको लगून बोलते हैं ठीक है ओके फाइन याद रखना कि जो मेजर जो मेजर बैक वॉटर्स है कहां पर केरला में दीज आर नोन एज द लगूनस मतलब क्या ये बैक एक किसी लोकेशन से अंदर एंटर होंगे और एंटर होके अंदर की तरफ ये बैक वाटर समझने की बात करना कि जो मोस्टली लगून से केरला में ये सी वाटर क्या करता है एक इनलेट के थ्रू एक कोई भी एरिया होगा उस इनलेट के थ्रू अंदर जाएगा और उसके बाद उस इनलेट का जो ओपन है वो टूवर्ड्स द सी होगा मतलब इस तरीके से वाटर अंदर घुसेगा और वो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा वैबनाड लेक के बारे में सुना वैबनाड लेक जहां पर नेहरू आपका बोट फेस्टिवल होता है वो एक बैक का एग्जाम्पल है लगून का एग्जाम्पल है समझ में आ गया ठीक है वहीं पर अगर हम बात करें जो एश्री है यहां पर जो बैक वाटर है वो बहुत हाई स्पीड के साथ आता है टाइडल वेव एक्शन बहुत हाई होती है वहीं पर जो लगून है वहां पर इतना हाई नहीं होता क्योंकि वहां पर एक इनलेट छोटा होता है वहीं पर एश्रीज में एक तरीके से वेव एक्शन ज़्यादा इंपेक्टिवल होता है तो जो वाटर फ्लो होता है एश्री में वो स्ट्रांग होता है और फास्ट होता है वहीं पर जो वॉटर लेवल होता है वो शेलोअर होता है कम डेप्थ होती है साइज कम होता है आपके लगून में ठीक है तो एश्रीज होती है वो गहरी होती है कंपेयर टू द लगून ठीक है समझ में आ गया फाइन और याद रखना कि लगून में है ना जरूरी नहीं है कि आपका फ्रेश वाटर हो लगून में बैक वाटर होगा लगून में सी वाटर होगा बट जो एश्री है इट इज अ कंबिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड बैक वाटर दोनों का है बट लगून में क्या हो रहा है लगून में बैक वाटर ही इनलेट से इनलेट हो रहा है समझ में आ गया तो लगून में क्या है लगून स्मॉल इनलेट के थ्रू है तो वेव का इंपैक्ट कम पड़ रहा है यह पॉइंट याद रखना समझ में आ गया फाइन लगून का फॉर्मेशन किस कारण हो रहा है लगून का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू दी लेवल का अगर आपकी जो कोस्ट लाइन है वो इमरजेंस है इमरजेंट कोस्ट लाइन है दैट मीन जो रला की कोस्ट लाइन है अगर आप बात करेंगे मैंने बताया था कि जो ये वेस्टर्न कोस्ट है यहां तक तक ये पूरी ये आपका गुजरात वाला जो पार्ट है ये पूरी क्या है ये सबमर्जेंट है वहीं पर जो केरला की कोस्ट है इट इज नोन एज द इमरजेंट कोस्ट तो इमरजेंट कोस्ट होने के कारण जब आपका सी लेवल फॉल करता है सी लेवल फॉल करने के कारण यहां पर लगून का फॉर्मेशन होता है जो केरला की कोस्ट में है ठीक है और याद रखना जो एश्वरी का फॉर्मेशन होता है वो ऐश्वरी का फॉर्मेशन तब होता है जब सी लेवल राइज करता है तब ऐश्वरी का फॉर्मेशन होता है समझ में आ गया क्लियर है और कहां पर हो पर होगी जहां सबमर्जेंट कोस्ट बनेगी वहां पर क्या बनेगा आपकी ऐश्वरी बनेगी एग्जाम्पल कौन सा है कौनकन कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा में और वहीं पर जो इमरजेंट कोस्ट है केरला में यहां पर जब वाटर लेवल फॉल करेगा तब वहां पर ऐश्वरी का फॉर्मेशन होगा ठीक है सरक्रिक क्या है सरक्रिक एक नैरो जोन है एक नैरो जोन है वाटर की जिसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्रीक एक नैरो जोन है वाटर की जिसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है समझ में आ गया ठीक है किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से फटाफट आपको पता है कि जो एश्री है वहां पर फाइटोप्लैंगटोन बहुत सारे होंगे डाई एटम्स होंगे वहां पर सी ग्रासीज होंगी एलगीज होंगी ये मैंने आपको बता दिया अब कैसे जो इशू है एश्रीज इकोसिस्टम कैसे इंपैक्ट कर रहा है कैसे इफेक्ट कर रहा है सर जो मॉडिफिकेशन इन कैचमेंट एरिया दैट मीन जो कैचमेंट एरिया में मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके कारण एश्री इकोसिस्टम खत्म हो रहा है कम हो रहा है समझ में आ गया

जो बैक वाटर और यहां से आया उसके बीच में सेपरेशन हो गया ये वाला और ये सेपरेशन सैंड ने किया तो ये भी एक तरीके से हम लगून बोल सकते हैं और वहीं पर आपका जो बैक वाटर है वो किसी भी नैरो इनलेट से एंटर कर गया और वहां पर लगून बन गया जब आपका सी लेवल का लेवल लो था और वहां पर वॉटर एंटर करने से अंदर वहां पर डिप्रेशन होगा उस डिप्रेशन में जाके डिपोजिट हो गया और वहां पर लगून का फॉर्मेशन हुआ समझ में आया ये पॉइंट याद रखना तो ठीक है पॉल्यूशन के कारण इंपैक्ट पड़ रहा है एसरी पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और अनसस्टेनेबल टूरिज्म लोग आते हैं टूरिज्म हो रहा है ओवर टूरिज्म हो रहा है बहुत सारा पॉल्यूशन फैल रहा है डस्ट जितने भी पॉल्यूटेड वेस्ट हैं वो वहां पर ड्रॉन किए जा रहे हैं इंक्रीज ड्रीनेजिंग एंड शिपिंग दैट मीन शिपिंग और डी डी अगर मैं बात करूं डी जो है वो इंक्रीज हो रही है और शिपिंग इंक्रीज हो रही है डी का मतलब है जो सेडिमेंट्स है ना जैसे मैंने हुगली रिवर में बताया था उनको बाहर निकाल रहे हैं जिसके कारण वहां पर एसरी खत्म होने की कगार पर है उनको इंपैक्ट पड़ रहा है ठीक है अनसस्टेनेबल लैंड यूज पैटर्न ओवर फिशिंग एक्टिविटीज एक्वाकल्चर और क्लाइमेट चेंज यानी कि सी लेवल के राइज होने के कारण इनको इंपैक्ट पहुंच रहा है जो हमारे एश्री इकोसिस्टम है अगर आपको ये इमरजेंट एंड सबमर्जेंट कोर्स पढ़नी है तो 9:30 पर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आज आपकी इलेवेंथ क्लास की एन की उस एनसीआर को मस्ट फॉलो है अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है वहां पर डिटेल में पढ़ाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड जोग्रफी इकोनॉमिक्स वो सॉरी ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर तो वहां पर ज्योग्राफी के कंसेप्ट ही पता होने चाहिए तभी आप इन्वायरमेंट को भी समझ पाओगे ठीक है अब बात करते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में मैंग्रोव इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है अगर मैं बात करूंगा इस मैंग्रोव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है मैंग्रोव सर मैंग्रोव आर दो फॉरेस्ट अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैंग्रोव को जरूर पढ़िएगा मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक like, शेयर करते रहिए दिस वेजिटेशन इज नोन एज द मैंग्रोव वेजिटेशन इस पे आ जाइए मैंग्रूव वेजिटेशन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है मैंग्रूव इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है मैंग्रूव इकोसिस्टम इसके ऊपर आइए फटाफट अगर चीजें क्लियर हैं यहां तक लाइक शेयर करते रहिए अदरवाइज हम मैंग्रूव इकोसिस्टम के ऊपर बढ़ रहे हैं फटाफट जल्दी से बताइए कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बताइए किसी को भी कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई वो चीजें समझ में नहीं आई फटाफट फड़ जल्दी से बताइए फटाफट फड़ जल्दी से बताइए मैंग्रोव इकोसिस्टम सर मैंग्रोव इकोसिस्टम को हेलोफाइट्स भी बोलते हैं हेलोफाइट्स हैलोफाइट्स हैलो मतलब सॉल्ट टॉलरेंट वो प्लांट्स जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं सॉल्ट लविंग होते हैं मतलब वो प्लांट जो सॉल्टी वाटर पर भी ग्रो हो जाते हैं उनको मैंग्रोव इकोसिस्टम बोलते हैं याद रखना मैंग्रोव इकोसिस्टम वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर फ्रेश वाटर और बैक वाटर ओशियन का दोनों मिलते हैं वहां पर जो वेजिटेशन होती है उसको मैंग्रोव इकोसिस्टम बोलते हैं समझ में आ गया जहां पर रिवर का फ्रेश वाटर और बैक वाटर ओशन का दोनों मिलता है जहां पर सेलिनीटी जीरो से लेके 35 फाइव पीपीटी होती है वहां पर मैंग्रोव वेजिटेशन ग्रो होते हैं एंड दीज मैंग्रोव वेजिटेशन आर एवरग्रीन फॉरेस्ट ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं हमेशा सदाबाह रहते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हमेशा याद रखना कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं दिस इज इक्वेटर दिस इज ट्रॉपिक्स तो दैट मीन्स दीज मैंग्रूव फॉरेस्ट लाई फ्रॉम जीरो टू ट्वेंटी फाइव डिग्री बिटवीन द ट्रॉपिक्स अराउंड इस लैटिट्यूड पर यह मैंग्रूव फॉरेस्ट लाई करते हैं और दीज आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट याद रखना मैंग्रूव फॉरेस्ट र द हेलो फाइट्स दैट मीन ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो आपके सोल्ट में टॉलरेंट करते हैं सोल्टी वाटर में ग्रो करते हैं अभी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं रिगार्डिंग दिस अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाई दीज मैंग्रूव फॉरेस्ट आर ओनली लाई इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ये जितने भी मैंग्रूव फॉरेस्ट हैं ये सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही क्यों मिलते हैं वाई दीस फॉरेस्ट डोंट लाई इन टेम्परेट एरिया

के थ्रू और लीव्स के थ्रू होता है उनकी जड़ों के थ्रू और पत्तियों के थ्रू होता है और उसी को बोलते हैं ट्रांसपरेशन उसी को बोलते हैं ट्रांसपरेशन क्या बोलते हैं ट्रांसपरेशन बोलते हैं समझ में आ गया क्या बोलते हैं ट्रांसपरेशन नॉइस आ रही है गाइज इस नॉइस का थोड़ा जो भी इशू है उसको मैं रिजोल्व करने की कोशिश करता हूं ठीक है यहां तक चीजें क्लियर है किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए ठीक है तो क्या होता है ये ट्रांसप्रेशन करते हैं तो जब इनका ट्रांसप्रेशन होता है तो जो वाटर होता है इनका जो सॉल्ट होता है वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो ट्रांसप्रेशन हो जाता है और वो सॉल्ट क्या होता है वो ट्रांसप्रेशन की फॉर्म में इनकी पत्तियों के ऊपर आ जाता है तो जो रूट्स होती है ना जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट हाई होने के कारण जब हाई टेम्परेचर पर ट्रांसप्रेशन होता है वाटर का एवोपरेशन होता है थ्रू थ्रू द रूट्स दूदा लीव्स तो आप फील करोगे इनकी पत्तियों पे ना आपको सॉल्ट के छोटे-छोटे क्रिस्टल -छोटे देखने को मिलेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है जिसके कारण क्योंकि कभी भी जो प्लांट है ना वो आपका सॉल्टी वाटर में ग्रो कर ही नहीं पाता क्योंकि सॉल्टी वाटर हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट तो इसी वजह से जो मैंग्रोव है ये सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं तो ड्यू टू द हाई इवोपोरेशन या हाई एक तरीके से आप बात करोगे टेम्परेचर के कारण तो यहां पर ट्रांसपरेशन भी ज्यादा होगा जिसके कारण इनकी रूट पर आपके क्रिस्टल आ जाएंगे किसके के और वो जो सॉल्ट है वो ट्रांसप्रेशन की फॉर्म में आपके वॉटर से रिमूव हो जाएगा याद रखना समझ में आ गया ठीक है तो इसी वजह से ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया पर लाई करते हैं एंड दीज आर हेलोफाइट्स इनको हेलोफाइट्स भी बोला जाता है समझ में आ गया आइए एक बार पढ़ते हैं मैंग्रोव आर द लिटोरल प्लांट्स लाइक ट्रीज एंड बुशीज हैविंग अ एक्सेप्शनल कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्ट टॉलरेंस मतलब मैंग्रोव एक लिटोरल प्लांट्स है जो बैक वाटर ओशियन वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में जहां पर पीपीटी जीरो से थर्टी फाइव होती है उस एरिया में ग्रो करते हैं और इनकी एक एक्सेप्शनल कैपेसिटी होती है ये सॉल्ट वॉटर में भी ग्रो कर जाते हैं दैट्स वाई दीज आर नोन एज दीज आर नोन एज दलोफाइट हेलोफाइटिक मीन दे आर लवर ऑफ सॉल्ट सॉल्ट में भी इजिली ग्रो कर जाते हैं एंड ग्लोइंग ब्लो द हाई लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड ग्लो ग्रोइंग ब्लो द हाई लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड मीन्स क्या ये जो आपके मैंग्रोव वेजिटेशन है हमेशा याद रखना कहां पर ग्रो करेगी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहां पर ये लैंड एरिया है यहां पर ये लैंड एरिया है यहां तक ये हाई टाइड है और यहां पर ये लो टाइड है तो जो हाई टाइड और लो टाइड का जो एरिया है इस एरिया के बीच में मैंग्रोव वेजिटेशन आपकी ग्रो करेगी याद रखना हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो एरिया है उस एरिया में आपकी मैंग्रोव वेजिटेशन ग्रो करने वाली है हमेशा याद रखना एंड दीज प्लांट्स आर एवरग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग ऑन टाइडल फ्लैट जहां पर टाइड्स आती हैं वहां पर होते हैं डेल्टाइक रीजन पर होते हैं जहां पर एशरीज होती हैं वहां पर होते हैं जहां पर बेस क्रीक्स एंड बैरियर होते हैं वहां पर होते हैं ये हाई एडेप्टशन ऑफ सैलिनिटी दैट मीनस की जो सेलिनिटी वाला पार्ट है जहां पर वाटर लॉगिंग होती है उस एरिया में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं आपके कौन आपके जो ये कौन से एरिया जो ये आपका मैंग्रोव इकोसिस्टम है समझ में आ गया तो अगर आपसे पूछे कि मैंग्रोव इकोसिस्टम कहां कहां ग्रो होता है तो आपको बताना है फ्लैट्स में, 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 बेज में, टाइडल क्रीक्स में उसके साथ साथ डेल्टाइक रीजन में यहां पर ग्रो होते हैं एंड दीज हेलोफाइट्स अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप बार बार बोले जा रहे हो बार बार बोले जा रहे हो कि ये हमें इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं ये हमें इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं हाउ दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोस्टल इरोजन ये हमें कोस्टल इरोजन से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अब मैं आपको बताता हूं ये कोस्टल इरोजन से कैसे ये कोस्टल एरियाज पर लगे हुए हैं अब क्या होता है कि जब टाइट्स आती है टाइट्स आई तो टाइट्स अंदर जाएगी समझने की कोशिश करना मैं आपको समझाता हूं यहां पर ये कोस्टल एरिया है यहां पर टाइट्स आई टाइट्स क्या करेगी जब ये अंदर जाएगी ना तो यहाँ पर इन कोस्टल एरियाज को इरोड करेगी इनकी जो सॉल्ट है सिल्ट है इनको इरोड करेगी और जब अंदर जाके इनको इरोड करेगी फिर जब वापिस जाएगी बैक टाइड आएगी बैक वॉश करेगी तो उस टाइम पर ये सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके आ जाएगी और साथ लेके इस तरीके से कोस्टल एरिया को इरोड करते करते अंदर तक चला जाता है और ये कोस्टल एरिया इस तरीके से हो जाएगा इट मीन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कोस्टल एरियाज है वो खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि ड्यू टू तो द इरोजनल एक्टिविटीज बट ये जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये आपके कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यू टू तो द इरोजन सर कैसे इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं अब क्या हुआ ये वेव्स आई तो वेव्स अंदर जाएगी तो जब ये सेडिमेंट्स को वॉश अवे करके लेके आएगी तो इनकी जो बड़ी बड़ी रूट्स है ये रूट्स दिख रही हैं। ये roots क्या करती हैं? अपने अंदर उन जो हैं, सैंड है उनको अपने अंदर एक तरीके से एड ऑन कर लेती हैं। इनको ले जाने नहीं देती वेव्स के साथ तो यहां पर जो रूट्स होती है ना इन रूट्स के अंदर जो सैंड एंड सिल्ट्स है वो यहां पर आके डिपॉजिट हो जाते हैं जिसके कारण वो आपके टाइड्स के कारण इरोजनल एक्टिविटी इतनी इंपैक्ट नहीं कर पाती अगर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं होते तब जितनी कर पाती तो दैट मींस ये जो रूट्स है ना ये प्रोटेक्ट करती हैं ये सेडिमेंट्स को बाहर बहा के नहीं ले जाने देती टाइड्स को अपने साथ अब बताइए किसको दिक्कत परेशानी हो तो बताइए कुछ दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट को कि सर ये क्या हो गया कैसे हो गया सब्सक्रिप्शन पर एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस थ्री मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा कुछ नहीं करना बस कैपिटल ए एम टेन कोड यूज करना है सर क्या होगा इस कोड से इसी से क्या होगा सर जिस पैशन के साथ मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूं जिस पैशन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में तो जब आप चीजों के साथ एक्सेसिबिलिटी लोगे पेड की तो आपका मेरे एंड से पूरा 24 फोर इंटू सेवन आपके लिए हेल्प रहेगी रिगार्डिंग प्रिपेशन रिगार्डिंग मेंटरशिप क्या कैसे कब पढ़ना है उन सब चीजों में समझ में आ गया क्लियर है तो ये चीजों में मेरी आपकी हेल्प रहने वाली है रिगार्डिंग प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से आपके पास टाइम है यूज कर लीजिए सर आज पढ़ा के चीजें कल कहा होंगे कैसे होंगे नहीं पता चीजों के साथ बट यही बोलता हूं कि जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है वो चीजें मैं अभी फ्री में आपको पढ़ा पा रहा हूँ आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास बहुत अच्छे से चीजें होंगी क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज मेरे से मैक्सिमम हो सके मेरे से इन्वायरमेंट मैक्सिमम हो सकती थी आप लोगों की डिमांड थी मैंने बहुत इंसिस्ट किया टीम से सब चीजों से क्योंकि मुझे एक सेपरेट कोर्स के लिए अलग से चीजें थी

और कल का टॉपिक रहेगा आपका कौन सा वो फाइव पी का रहेगा सिटीजनशिप का तो डोंट मिस आउट दिस टॉपिक जस्ट फ्री कोड है कैपिटल ए एम टेन इस कोड को यूज करके आप एनरोल कर सकते हो फ्री कोड है ए एम टेन अभी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इस सेशन के बाद टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो लेना जरूरी की बात नहीं है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां पर ऑप्शन कभी करना है आपको सर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है ना ट्रस्ट मी जिस क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है कुछ भी नहीं है एक बार ऑफलाइन क्लासेस में डेली जाकर देखिए थ्री लाख फीस है इंक्लूडिंग ऑप्शनल टेस्ट सीरीज इन के लाख ,00 रुपए बहुत होती है और तीन लाख ,00 के साथ मिनिमम तीन से चार साल वहां पर रहना सोचिए एक महीने का मिनिमम जो खर्चा है वो टेन से फिफ्टीन थाउजेंड है मिनिमम अगर वर्स्ट कंडीशन में रहोगे तो टेन थाउजेंड टब है रूम नहीं है एट थाउजेंड से कम वहां पर टेन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड ओल्ड राजेंद्र नगर में तो बारह पंद्रह हज़ार से कम के रूम ही नहीं है तो इससे आप कंडीशन लगा सकते हो कि किस लेवल पर है चीज़ें तो वही चीज़ें आपको बता रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके चीज़ों को कर लीजिए बहुत बेनिफिशियल है एक इकोनॉमिक रेंज में है ऑफर चल रहा है इसको अवेल कर लीजिए बाद में टोटली totally आपके ऊपर है चीज़ों को कैसे सर मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उस चीज़ों को पढ़ते रहिए सर व्हाट अबाउट वीवी पैरिटी मोड व्यू भी बताएंगे वीवी पैरिटी क्या होता है पैरिटी के बारे में भी बताएंगे परेशान क्यों हो रहे हो सब चीजें बताएंगे क्या क्या होता है इनका क्या होता है कैसे होता है सारी चीजें आपके सामने हम रखेंगे एक एक करके बहुत अच्छे से समझ में आ गया यहां तक चीजें किसी को भी क्लियर है कोई भी दिक्कत परेशानी ठीक है तो कहां पर है याद रखना ये कहां पर होते हैं जहां पर इकोटोन जोन होता है जहां पर सॉल्ट वाटर मिक्स होता है उस वाले में याद रखना इनकी एबिलिटी होती है कि जो फ्रेश वाटर होता है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो सेलिन वाटर होता है ना ड्यू टू हाई सोलर रेडिएशन जब भी तो ये जीरो से ट्वेंटी फाइव डिग्री लैटिट्यूड पर होते हैं क्योंकि वहां पर क्या हीट ज्यादा होती है और सोलर रेडिएशन की जरूरत ज्यादा होती है तो सोलर रेडिएशन की जरूरत के लिए जो फ्रेश वाटर होता है उसको तो एब्जॉर्व कर लेते हैं और बाकी जो इनकी लीव्स होती है उन पत्तियों पे उपर, के ऊपर आपका ट्रांसप्रेशन के थ्रू वो आपका सोल्ट क्रिस्टल आपको ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे समझ में आ गया वीवी -वी पैरिटी मोड करते हैं ये किसमें रिप्रोडक्शन में वीवी -वी पैरिटी का मोड पता है क्या होता है मैं आपको समझाता हूं आपने कभी मैंगो खाया मैंगो आम होता है आम के अंदर जो उसकी सीड्स होती हैं गुठली होती है आप उसको जब लगाओगे जब आम होगा उसकी गुठली होगी तो तब वहां पर क्या होगा आप न्यू जो यंग वंस है मैंगो के ट्री का वो तब वहां पर आएगा उसकी सीड से बट वीवी पैरिटी मोड्स में क्या होता है समझने की कोशिश करना मैं बताऊंगा वीवी पैरिटी यहां पर क्या होता है जो इसकी सीड्स होती है ना यहां पर समझना जो इसकी सीड्स होती है ना वो कंप्लीटली अपना प्रोसेस समझना ये जैसे प्लांट है इसके ऊपर एक सीड्स है वो यहीं पर अपना प्रोसेस पूरा कर लेती है वीवी पैरिटी में समझने की कोशिश करना जो मैं समझाने कह रहा हूं ठीक है यहीं पर वो अपना पूरा प्रोसेस कर लेती है रिप्रोडक्शन जैसे भी उसके बाद जैसे ही ये आपका पूरा कंप्लीटली एक एज की अब ये जैसे ही ये इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है रिपोर्ट पूरा जो प्रोसेस जो इसकी सीड्स होती है ना वो अपने प्लांट के ही ऊपर पूरा प्रोसेस कर लेती है रिप्रोडक्शन का उसके बाद क्या होता है जैसे ही वो सीड नीचे गिरेगी नीचे गिरते ही वो जमीन में गिरते ही एक न्यू प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर देगी ये होता है आपका किस में आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट में समझ में आ रहा है यहां पर जो लीव्स सीड है ना वो इसी के ऊपर पूरा प्रोसेस कर लेगी और जैसे ही जमीन पर गिरेगी न्यू मैंग्रोव फॉरेस्ट की ग्रोथ करते हैं। समझ में आ गया डेफिनेशन पर मत जाइए कभी समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है वहां की डेफिनेशन पे बुक की डेफिनेशन में क्या लिखा है डेफिनेशन में तो लिखा है जो, सेल्फ, जो सेल्फी रिप्रोडक्शन कर लेते हो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो है समझ पाओगे या ये लिखा है जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हो वो रिप्रोडक्शन बट वीवी पैरिटी जो मैंग्रोव्स के कॉन्टेक्स्ट में है यहां पर जो सीड है ना वो ऑलरेडी यहीं पर चीजों के साथ पूरा प्रोसेस कर लेती है उसके बाद नीचे आके गिरेगी और एकदम न्यू मैंग्रोव फॉरेस्ट को जन्म देगी समझ में आगे क्लियर है ओके ये पॉइंट क्लियर दूसरा पॉइंट क्या है हमने बात की कि सॉल्ट का फिल्ट्रेशन करते हैं उसके बाद है दीज आर नोन एज द न्यूमेटोफोर्स इनको न्यूमेटोफोर्स भी बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स या ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम द रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इनको न्यूमेटोफोर्स क्यों बोला जाता है गाइस अगर आप देखोगे इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को तो इनकी जो रूट्स है ना वो बाहर आ जाती हैं इस तरीके से वो बाहर आ जाती हैं क्यों बाहर आ जाती है क्योंकि रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड ड्यू टू दैट ये जो रूट्स वो बाहर आके ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है क्योंकि वाटर के अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि वाटर में ग्रो कर रहे हैं और ऊपर से सॉल्टी वाटर में ग्रो कर रहे हैं सो ड्यू टू दैट जो ये मैंग्रूव फॉरेस्ट होते हैं इनकी रूट्स बाहर आ जाती है इस तरीके से वाटर से और वाटर से रूट्स बाहर आने के कारण ये क्या करते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं फॉर द सर्च ऑफ ऑक्सीजन

समझ में आ गया वॉट इज निमेटो पोर्स वॉट इज वीवी पैरिटी समझ में आ रहा है पैरिटी क्या होता है निमेटो क्या होता है Halophytes क्या होता है अब बताइए किसी को भी कोई डाउट दिक्कत परेशानी समझ में आ गया क्लियर है ठीक है तो याद रखना जो सीड्स वीवी पैरिटी का मतलब होता है जो सीड्स होती है ना वो जर्मिनेट हो जाती है इट्स सेल्फ विद इन द प्लांट जब ये प्लांट है मैंग्रोव का तो सीड्स है ना यहीं पर जर्मिनेट हो जाएंगी पूरी और बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड ग्राउंड में फॉल होने से पहले जर्मिनेट हो जाएंगी सीड्स और जैसी सीड्स ग्राउंड पर गिरेंगी एकदम न्यू आपका गिरते ही आपका न्यू मैंग्रोव फॉरेस्ट की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी समझ में आ गया तो कोई भी पूछे कि मैंग्रूव किस टाइप की रिप्रोडक्शन करता है तो आपको बताना है मैंग्रूव एग्जिबिट वीवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट मींस कि जो सीड्स हैं उसका जो जर्मिनेशन है जर्मिनेट है वो आपकी ट्री पे ही हो जाता है इट बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड ग्राउंड में फॉल होने से पहले यहीं पर जर्मिनेट हो जाती है और जैसी गिरती है तो फिर मैंग्रूव फॉरेस्ट गिरो हो जाता है समझ में आ गया मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में क्या है कैसे है क्या क्या चीजें हैं अब हम बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर है मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां कहां किस किस रीजन में करते हैं तो गाइज अगर आपसे कोई पूछे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट का लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रेच कहां पर है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रेच है सुंदरबन डेल्टा जहां पर गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है और इसका नाम सुंदर डेल्टा इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर सुंदरी ट्री होता है सुंदरी ट्री उसी के नाम पर सुंदरबन डेल्टा रखा गया और यहां पर मैंग्रोव बहुत ही बड़े लेवल पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्ट्रेच सिंगल स्ट्रेच मैंग्रोव फॉरेस्ट का यहां पर मिलेगा सुंदरबन डेल्टा में उसके बाद आपका गुजरात में बहुत बड़े लेवल पर मैंग्रोव स्ट्रेच मिलेगा गुजरात वाले एरिया में उसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा उसके बाद जो आंध्र आंध्र प्रदेश वाला रीवर है, रीजन है वहां पर जो एश्रीज डेल्टा वाला रीजन है वहां पर मिलेगा उसके बाद जो कर्नाटका वाला जो रीजन है यहां पर मैंग्रोव का स्ट्रेच मिलेगा प्लस सम पार्ट्स ऑफ द केरला में भी मैंग्रोव का स्ट्रेच मिलेगा थोड़ा सा सो जो ये कोस्टल एरियाज है यहां पर मैंग्रोव का स्ट्रेच देखने को मिलेगा आपको समझ में आ गया फाइन ओके

प्लस गुजरात वाला पार्ट प्लस सुंदरबन वाला पार्ट प्लस इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में एक सिंगल कंट्री जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो इंडोनेशिया प्लस ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है जहां पर मैंग्रोव का स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर है चीजें समझ में है लाइक शेयर करते रहिए ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ठीक है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पता लग गया आपको क्या क्या है कैसे कैसे है तो याद रखना मैंग्रोव क्या होते हैं नोमैटो होते हैं यहां पर याद रखना, secret salt through the leaves. याद रखना रखना जो salt होता होता है है पानी के के अंदर नमक होता है, उसको थ्रू कर देते हैं और ब्लॉक ऑफ सॉल्ट एट देयर रूट्स या ऐसा करते हैं कि जो रूट्स होती है ना वहीं से सॉल्ट को एब्सॉर्व नहीं करते या जो अगर एबजॉर्व कर लेते हैं प्लांट्स वाटर से तो क्या करते हैं ट्रांसपरेशन के थ्रू रूट से वो क्या करते हैं आपका पास कर देते हैं एंड एडवेंटेसियस रूट और कॉल्डो एज सिल्ट रूट इसको क्या बोलते हैं स्टिल्ट रूट स्टिल्ट रूट के नाम से जानी जाती हैं क्योंकि जो इनकी रूट हैं वो क्या करती हैं आपके सॉल्ट को फिल्टर कर देती है एक तरीके से दैट्स वाई वी नोन एज दाइन ओके रिड्यूस मॉडरेट मानसूनल टाइडल फ्लड्स प्रिवेंट क्या करते हैं कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट न्यूट्रेंट रिसाइकिल को एनहांस करते हैं सोर्स ऑफ फायरवुड लकड़ी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फायरवुड के लिए और याद रखना जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना गाइस इनकी जो हाइट होती है वो आठ से दस आठ से बीस मीटर तक के होते हैं और याद रखना जो बोट्स होती है ना बोट्स नाव बोट्स होती हैं उनको बनाने में इसकी वुड का यूज किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोर्स ऑफ फायर वुड मेडिकल प्लांट मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं मेडिसिनल जहां से मेडिसिन बनती है वो बहुत मिलेंगे मैंग्रोव वाले पार्ट पर एडिबल प्लांट्स मिलेंगे इस एरिया में जहां से ऑयल निकलता है उसके साथ साथ एंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं ये मैंग्रोव मैंग्रोव डिस्ट्रॉयड होती जा रही है इनको थ्रेट है क्यों क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती जा रही है एक्वा कल्चर हो रहा है वहां पर फिशिंग हो रही है आपकी वाटर जो एग्रीकल्चर है इस टाइप से वाटर से रिलेटेड जो भी एक्वा कल्चर है इस कारण से फ्यूल के कारण से इंडस्ट्रियल पर्पस के कारण से और केमिकल फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को डिग्रेड करते जा रहे हैं डिग्रेड करते जा रहे हैं इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट मैंग्रोव है वो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है और याद रखना ये सुंदरबन जो मैंग्रोव है वो रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल के होम है ये मैंने नुमाटो फोर्स के बारे में इंडिया में कहां, -कहां पर लाई है उड़ीसा में जो भीतर कनिका मैंग्रोव है ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर सुंदरबन लार्जेस्ट स्ट्रेच है तो सुंदरबन जो उड़ीसा है उड़ीसा सुंदरबन तो बंगाल में हो गया उड़ीसा में भीतर का है यह मैंग्रोव सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है वहीं पर जो कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला डेल्टा एक रीजन है आंध्र प्रदेश में वहां पर मिलेंगे गल्फ ऑफ कच्छ वाला एंड कोरी क्रीक है वहां पर मैंग्रूव फॉरेस्ट मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार वाला जो एरिया है वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत डाइवर्सली स्प्रेड है इस वाले एरिया में भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे वहीं पर ये रीजन है जहां पर मैंग्रोव आपके स्प्रेड है कंडीशन अगर मैं बात करूं कहीं पर इंडिया में इंप्रूव हो रही है पहले डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया था बट नाउ द कंडीशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इज इंप्रूविंग इन इंडिया याद रखना समझ में आ गया क्लियर है ठीक है और याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये क्या करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है जो तूफान होता है उससे हमारी जो कोस्ट लाइन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं सुनामी से जो सुनामी वेव्स आई थी अगर आप पढ़ोगे उड़ीसा की वो कोस्ट जहां पर आपके मैंग्रोव वेजिटेशन थी तमिलनाडु की वो कोस्ट जहां पर मैंग्रोव वेजिटेशन थी वहां पर लीस्ट इंपैक्ट हुआ था सुनामी वेव्स का क्योंकि ये सुनामी जो वेव्स आई थी ना उनकी जो स्पीड थी जो एनर्जी थी उन मैंग्रोव फॉरेस्ट ने उनको कम कर दी थी और कोस्टल इरोजन से भी प्रोटेक्ट करता है सो जो स्ट्रॉग्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है हुरिकेन विंड से प्रोटेक्ट करता है वेव से फ्लड से इरोजन से प्रिवेंट करता है उसके साथ साथ जो रूट्स है जो सेडिमेंट है वो टेंगल्ड हो जाती है रूट से दैट मींस रूट्स के साथ बाइंड हो जाती है टेंगल्ड हो जाती है रूट्स उनको आपका वॉश अवे नहीं होने देता जो सेडिमेंट्स हैं उसके साथ साथ वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करता है क्योंकि जो इंप्योरिटीज होती हैं वो रूट्स क्या करती है उनको अपने साथ बाइंड करके रखती है फिल्टरिंग पॉल्यूटेंट्स उसके साथ सेडिमेंट्स को ट्रैप करके रखता है ताकि रोजन ना हो सके प्रोवाइड नर्सरी हैबिटाट फॉर मैनी कमर्शियल फिसेस दैट मीन्स हैबिटाट मतलब एक लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है एक स्पेशल नीस प्रोवाइड करता है एक स्पेशल नीस और एक उनकी हैबिट इन्वायर और हैबिटाट प्रोवाइड करता है आपका ये जो मैंग्रोव इको है यहां पर क्लियर है so सो समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए फटाफट ठीक है ओके कोरिंगा लाइफ सेंचुरी है याद रखना वहां पर भी आपका मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया कोरिंगा उसके बाद अगर हम बात करें जो गोदावरी है कोरिंगा वाला एरिया है वहां पर मिलेंगे उसके साथ साथ जो भितर कनिका वाला पार्ट है वहां पर मिलेंगे उसके साथ सुंदरवन वाला एरिया है वहां पर मिलेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ऑलिव रिली टर्टल गाहिर माटा बीच वहां पर ऑलिव रिडली टर्टल मिलते हैं वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट याद रखना ठीक है और वहीं पर जो कोरिंगा सेंचुरी है वहां पर आपको पता है कि आपको ऑलिव रिडली टर्टल कोरिंगा सेंचुरी में मिलते हैं और यूएनएसको ने समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं आपको ठीक है क्या चीज बतानी कुछ जो यूएनएसको है ना वहां पर यूनेस्को ने बोला है कि उस जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला पार्ट है उस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कीजिए उस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए उसमें टूरिज्म को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कीजिए यूनेस्को के साइड से उससे रिलेटेड इश्यूज वहां पर आए फटाफट फड़ बताइए दिक्कत परेशानी किसी भी स्ट्रेंड को कोई डाउट हो यहां तक जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं कि सर चीजें समझ में आई या कुछ भी नहीं समझ में आई सिंपल क्लियरली बोलो कि सर ये चीजें समझ में आई ये नहीं आई फटाफट कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए कि सर ये समझ में आया ये समझ में नहीं आया कुछ भी डाउट हो फटाफट जल्दी से बताइए एनी डाउट लाइक शेयर एक बार फटाफट कर दीजिए यार 80, 90 स्टूडेंट तक भी वॉचिंग जा रही थी बट आप लोग लाइक like शेयर कुछ करते ही नहीं हो बस आपका एक ही एम है सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लेते हैं याद रखना आज अभी जस्ट आफ्टर दिस क्लास टेन मिनट्स बाद अनकेडमी ऐप पर आपकी क्लास है से रिलेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपको कोड यूज करना है ए एम टेन ठीक है कोड यूज करना है ए एम टेन और फ्री क्लास है लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया है मेरा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी अंडर स्कोर अनरुद्ध मलिक उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी अंडर स्कोर अनरुद्ध मलिक कल हम बात करेंगे कोरल रीफ्स के बारे में कोरल रीफ कोरल रीफ इको के बारे में उसके बाद आपका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर कोरल रीफ के बारे में बात करेंगे कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा उस टॉपिक को कोरल रीफ वाले को तो कोरल रीफ का कल है रेगुलर वन पी पे आया करो उसके बाद नाइन पर आज से क्लास इलेवेंथ की इंडियन जोग्राफी की एनसीआर स्टार्ट हो रही है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीआर है और अभी आपकी थ्री पी पर अनअकेडमी ऐप पर अमेजिंग सेशन है मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है ठीक है इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए प्लस कोई भी स्टूडेंट मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे मैंशन कर देगा अन अकेडमी अंडर स्कोर मलिक पर ज्वाइन कर लीजिए प्लस आपको ऐप आप पर जो आपका वहां पर वो दिख रहा होगा जो प्रोफाइल है नीचे कमेंट में यहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए कोड है ए एम टेन और अभी जस्ट फिफ्टीन टेन मिनट्स बाद वॉल्किनिज्म टॉपिक के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं अन अकेडमी ऐप पर तो कोई भी स्टूडेंट उसको मिस नहीं करेगा मस्ट अटेंड सेशन है ठीक है उसके साथ साथ गाइज अन पर अमेजिंग ऑफर चल रहा है जिसमें गाइज लिमिटेड वन या टू डेज का ऑफर बचता है जिसके अंदर पूरी प्रलिम्स पूरा मेंस पूरा ऑप्शनल प्लस पूरा इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन आपको मिलेंगी जस्ट यूज द कोड कैपिटल ए एम टेन इस कोड को यूज़ कीजिए कैपिटल ए एम टेन को और उसके साथ आपको ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा प्लस आपको थ्री मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा थ्री मंथ्स का एक्सटेंशन प्लस ट्वेंटी मंथ्स का ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट ए एम टेन कोड यूज करती मेरी मेंटरशिप गाइडेंस सब कुछ मिलने वाली गाइज बिल्कुल भी डिले मत कीजिए बाद में ऐसा रिग्रेट ना हो आफ्टर टू ईयर्स की यूट्यूब से चीजें पढ़ते पढ़ते ना बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो काम की भी नहीं आएंगी बहुत सारे और चैनल्स हैं जहाँ पर कुछ क्वालिटी की चीजें नहीं है तो कोर्स को अगर अच्छे से डिटेल में कवर करना हो तो गाइज अन सब्सक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट वहां पर सारी चीजें डिटेल में है स्ट्रक्चर्ड चीजें हैं पॉइंट टू पॉइंट चीजें कवर हो रही हैं इसीलिए बोल रहा हूं जस्ट यूज द कोड कैपिटल ऑप्शनल एवरीथिंग वहां पर डिटेल कवरेज के साथ चीजें मिलेंगी सो एम टेन कोड यूज कीजिए वहां पर आपको मेरी मेंटरशिप मेरी गाइडेंस स्ट्रक्चर कोर्स टाइम टेबल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए वहां पर आपको अभी विद इन टेन मिनट्स के अंदर आपको सेशन मिलने वाला है और कोड है आपका ए एम टेन ठीक है इस कोड के साथ आप चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं फाइन ओके okay. तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर इसको जरूर लिंक नीचे आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है उससे आ जाइए फटाफट उसके साथ साथ आप मुझे अन अकेडमी ऐप पर फॉलो कर लीजिए बिकॉज आपको यहाँ पर 3 पी एम ये जोग्राफी की टॉपिक वाइज मिलेगी और 5 पी एम पॉलिटी की पॉलिटी पर आज मिलेगा आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड और जोग्रफी में टॉपिक वाइज आपका वॉल्किनिज़म का टॉपिक है और कोड है ए एम टेन फॉलो कर लीजिए अन अकेडमी अंडस्कोर अनुरुद्ध मलिक टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं बाय टेक केयर सी यू